हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षता गुप्ता। आपका स्वागत है मेरे चैनल फूडी मूडी में। मेरी आज की रेसिपी है पापड़ी पिज्जा। ये बहुत ही अच्छी स्टार्टर रेसिपी है, साथ ही इसे बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। इस रेसिपी को फॉलो करने के लिए आपको मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे, जैसे कि घर पे पापड़ी कैसे बनाएं, मोजरेला चीज कैसे बनाएं और पिज्जा सॉस कैसे बनाएं। और अगर आप इन तीनों चीजों को घर पे बनाना नहीं चाहते हैं तो आप इसे मार्केट से भी ला सकते हैं। सब्जियों में मैंने यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च लिया है। आप चाहें तो अपने पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज भी लिया है, इससे पापड़ी चाट का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। सबसे पहले हम प्याज और शिमला मिर्च को पिज्जा सॉस के साथ मिक्स कर लेंगे। एक बाउल में प्याज डालें। मैंने यहाँ पे आधा प्याज लिया, इसे बारीक कट कर लिया है। आधी शिमला मिर्च, इसे भी बारीक कट कर लिया है। पिज्जा सॉस, ये करीब 3 टेबलस्पून पिज्जा सॉस है। ये रेडी है। अब एक बेकिंग ट्रे लें या फिर बेकिंग टिन लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसमें पापड़ियों को सजा दें। इसके ऊपर पिज्जा सॉस, शिमला मिर्च और प्याज का मिक्सचर रखें। अब इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ मोजरेला चीज डालें। प्रोसेस चीज, इसे भी ग्रेट कर लिया है मैंने, इसे भी इसके ऊपर डाल दें। चीज अब अपने पसंद के हिसाब से जितना चाहे उतना डालें। आप पापड़ी पिज्जा को इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर का चीज मेल्ट हो जाए तो इसे 5 मिनट के लिए हाई हीट पे हम बेक कर लेंगे। मैंने पिछले 10 मिनट से इस कढ़ाई को प्री हीट कर लिया है। इसके अंदर एक स्टैंड भी रखा है। अब इसके अंदर हम पापड़ी पिज्जा का टिन रख देंगे। इसका लिड लगा दें। इसे हम 5 मिनट के लिए हाई हीट पे बेक करेंगे, या तब तक जब तक चीज मेल्ट ना हो जाए। करीब 3 मिनट हो गए हैं, चीज मेल्ट हो गया है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इसका लिड हटा लें। पापड़ी पिज्जा रेडी है। चीज बहुत ही अच्छा मेल्ट हुआ है। देखिए चीज कितना अच्छा मेल्ट हुआ है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब से गार्निश भी कर दिया है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये, खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।